और ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि 6 महीने बाद ही अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा दूध। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं उधर, जो ये भी जा रहा है, ये कल भी रो रहा था बेचारा, कह रहा था मेरे को भी लेके चल। मैं कहा यार क्या करेगा जाके, उधर कुछ हो नहीं रहा अभी, अगर बन रहा हो मतलब स्ट्रक्चर तैयार हो रहा हो तो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ तोड़ ही रहे हैं, तो तोड़ने पे क्या है कि पत्थर वत्थर है जैसा कि कुछ, मतलब लेके जाने में डर लगता है सही बताऊँ तो रुद्दू नहीं है तो आज ये जा रहा है, बाकी रुद्दू आएगा तो रुद्दू को भी लेके जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका टीए ब्लॉगिंग में। तो कितना हो सारे ऊपर सब वधिया होने के, बाकी मैं और प्रिय साथ चल रहे हैं अभी, और रेस देने को हो रहा है, मैंने कोल्ड स्टार्ट किया हुआ था, तो रेस देर है कि रेस दे दे, बड़ी भाई गंदी है, मैं सोच रहा हूँ धुला भी लेंगे आज, है ना भी धुला लेंगे, कितने पैसे लेगा, चल ले 3 बार धो जाएगी मेरी, 50-50 3 बारी 150 रुपये लेगा ये। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाइक नीचे उतार देते हैं, बाकी कुत्ता भी पीछे ब्लॉग में आ रहा है तो देख लेना, उसके लिए भी लाइक कर देना, बाकी ठीक है चलते हैं, ठंड लगती है और मिलते हैं आपसे, कब मिलेंगे वहाँ जाने के बाद। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं ऐसे, और यहाँ चल रहा है क्रिकेट का मैच, ओपनिंग स्कोर है अब कि मैं ऊपर जाऊँ वहाँ से मैच देखूँ, यहाँ इसको मैं खड़े नहीं देता क्योंकि दीवार थोड़ी कच्ची है ना, इसलिए डर लगता है। बाकी क्या सीन है कि फोर्थ फ्लोर पर आ गए ना, पहले हमारा घर था जब पहले रहते थे हम फोर्थ फ्लोर पे, अब फिर फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे 8-9 साल से, तो फोर्थ फ्लोर वाली दम नहीं आता ऊपर चढ़ने में, तो धीरे धीरे आदत होगी इस चीज़ की। बाकी कुछ भी नहीं किया उन्होंने सही, मैं कल इसलिए नहीं आया, मैं कल कुछ करा होगा, परसों जाऊँगा, कुछ नहीं किया उन्होंने कल, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि फिर मैंने सोचा कल जाऊँगा दोबारा, क्योंकि कुछ तो कल हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया सच्ची बता रहा हूँ। बाकी मेरा प्रिंस को तो मैच का बहुत शौक है, देखो अभी मैच ही देख रहा सामने खड़ा, बोलूंगी जला दे ऊपर के हो जाएंगे, थलो लब के आएंगे, हेलो यार रास्ते को बिचो तो सोसाइटी चाहे, अच्छा उधर ही सोसाइटी नहीं है, ग्राउंड ही है गल्ला, उधर रोड निकल जाता, ग्राउंड तो रास्ता तो नहीं, हो चलो ठीक है फिर, हम थोड़ी देर ही हैं बाकी फिर मिलते हैं आपसे, करे ऑन वहाँ जा रहा है, कह रहा वहाँ से देखूंगा, यहाँ से देख आराम से देख, सब आराम से खड़े हैं, खेलेगा तू, हाँ कल रात को हमने लास्ट क्लिप देखी होगी रुद्दू वाली, रुद्दू ने व्लॉग किया था, हाँ तो मैंने बस मैं वीडियो व्लॉग बना ही नहीं पाया, उसके बाद फिर मैंने सोचा रुद्दू वाली लगाया था, रुद्दू ने ही एंड कर दी थी, बाकी ठीक है, और आज ही रुद्दू को फोन करेंगे, अभी फोन किया ही नहीं मैंने, है क्यों 6 छक्के मारेगा ये। सो गाइस रुद्दू भी अभी थोड़े दिन में आ ही जाएगा, 2-3 को बोल रहा था शायद, रुद्दू 2-3 को ही आ जाएगा, तो उसके बाद भी बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आएंगे रुद्दू के साथ। और बाकी क्या सीन है कि अभी ना एक या दो दिन में ना मेरे को ना कपड़े लेके आने, सही बताऊँ तो मैं जाऊँगा लेने, तो मैंने सोचा यार कि बर्थडे के लिए अपने बर्थडे पास में आना है, हाँ हाँ, तो थोड़ा सा ले आएंगे कुछ पहनने के लिए अच्छा सा, बाकी हैं इसने तो बेइज्जती कर दी, नहीं मतलब अच्छे और मतलब नए कपड़े लाएंगे यार, ले आएगा नहीं शेरवानी तलवार मैं जा रहा हूँ, अच्छा तो मैंने तो बताने के लिए आपको व्लॉग बनाना शुरू किया था, लेकिन इसने बेइज्जती कर दी मेरी। बाकी क्या सीन है कि अभी चलते हैं नीचे और वापस जाते हैं घर, इसको ना चॉकलेट लेके देनी है, कल से चॉकलेट कर रहा है, तो नहीं क्यों तो ठीक है, अभी इसको चॉकलेट वगैरह भी लेके देनी है, और मेरे को ना नेक एयरपोर्ट्स वगैरह लेने हैं, एयरपोर्ट्स कह रहा हूँ, नेक बैंड वगैरह लेना है, तो अभी देखता हूँ कि अच्छे मिल जाएंगे तो आज ले ही लेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार बिना गानों के ना, ऐसे ही हो पड़ा, नेक बैंड दिलाने पर जो भी होंगे देखा जाएगा, जो अच्छे लगेंगे और जिसकी आवाज़ अच्छी होगी ना, मेन तो ये दिक्कत है बेस और आवाज़ वो लेंगे। बाकी चलते हैं अभी यहाँ से, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, बाकी हो जाएगा जल्दी, पर कोई दिक्कत नहीं। दो दुकानों पर जाने के बाद एक तो वापस करवा दी उसने, और ये दो ले आया देखो आपके सामने है, तो पता नहीं किस खुशी में चॉकलेट लाया है, स्कूल भी नहीं खुले, स्कूल खुले तो समझ से हम गर्लफ्रेंड को चलो चलते हैं घर में, बहुत देर हो गई, और पहले इसने सिल्क बड़ी वाली ली 170 वाली वापस करवा दी, ये आंटी से शर्मिंदा होकर वापस करानी पड़ी, फिर कह रहा पापा, कह रहे पापा इससे बड़ी लाए थे ये वाली, ऐसी में 60 रुपए की, तो इसने सिल्क बोल दिया, सिल्क तो महंगी आती है, डायरी भी ये वाली 100 की है, इसको इतना नहीं पता था, क्या पता मेरे खुद में कितना टेंशन है। फाइनली अपने बोट की ईयरफोन्स आ गए घर जाके आपको दिखाएंगे, और ये सौरभ के साथ आया हुआ था थोड़ी देर में, तो काफी देर हो गई हमें, मैंने कहा ईयरफोन ले दे फिर घर जाइए आराम से बैठने, बाइक को भी धुलवाना था भूल गया,
चल ठीक है फिर, ओके भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। तो गाइस फाइनली हम एयर क्या कहते हैं नेक बैंड बोट के ले आए हैं। तो मैं सही बताऊं तो, और ये देखो प्रिंस ने लगा भी लिए, क्या ना मेरे हैं तेरे थोड़े हैं। तो अभी क्या सीन है कि ये ले आया और मोटा खर्चा हो गया। जिसको पता होगा ना, जिसने मतलब जिसको पता होगा ये डायलॉग वो समझ जाएगा। तो आज मेरा मोटा खर्चा हो गया। तो ये सीन है, बाकी अच्छे हैं, आवाज भी काफी अच्छी आ रही है और बोट के एक साल की वारंटी मिली अपने को, अच्छी बात है। पापा कहते कंपनी के ही लिया फिर जा। वो ना यार वो मैं लेके आया था 400 रुपए के, एक लोकल बीटेक कंपनी थी, बीटेक की थी हाँ। तो 3 महीने चले हैं, पापा कह रहे फायदा क्या, ये मैं लिया तो मैं ये ले आया, अभी मेरे पास काफी टाइम अच्छे से चल जाएंगे और अच्छे से ध्यान भी रखेंगे इनका ध्यान। तो मैं वैसे एयरफोन जो मेरे पास होते थे सबका ही रखता था, वो एयरपोर्ट बस गलती से ना उसके नीचे का सेंसर खराब हो गया, तो वो खराब हो गया इस चक्कर में। नहीं तो मैंने अभी तक एक साइड का चलता बस आवाज कम आती, मैं सोचा यार नहीं है फिर अब यही रखेंगे, अब नए लेके आएंगे। तो काफी दिन हो गए थे तो मैं ले आया, अभी खाना वाना आ गया अपना जैसे आप देख सकते हो। तो खाना खा लेते हैं फिर अपना टाइम भी हो जाएगा, तुम्हें पता है फिजियोथेरेपी का 4:30 हो गए, 5:30 हो गए, 4:45 हो गए, ठीक है चलो फिर मिलते। तो गाइस द्वारा से थोड़ा स्वागत है। हम क्या हुआ कि फिजियोथेरेपी वगैरह करा रहे हैं, बस थोड़ी सी मैंने सोचा चाय वाय पी लेते हैं फिर अपने आराम से चलेंगे, बाकी मैंने यूज करना शुरू कर दिए हैं। अभी जाके जाऊंगा अभी, क्योंकि बाहर नहीं लेके गया, घर ही बैठ के पबजी खेला था एक गेम। बाकी क्या सीन है कि अभी ना यार अपने को 2-3 दिन फिजियोथेरेपी करानी है, तो अभी तो हम लेट होते शॉप पे जाते जाते, 2-3 दिन करवानी है, उसके बाद हम मस्त जल्दी जल्दी शॉप पे जाया करेंगे, फिर जल्दी आ जाएंगे, तब तक रुद्दू भी आ ही जाएगा। और बाकी क्या सीन है कि यार मैंने बहुत बंदों से सुना है कि यार कहते हैं कि यार तू सीधा फैमिली व्लॉग बनाएगा ना यार, तो तेरी फैमिली व्लॉग देखने में लाइफस्टाइल देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है यार, अगर हम एक डेडिकेशन से हम कंसिस्टेंसी से अपना व्लॉग या वीडियो जो भी हम बनाते रहेंगे तो शायद एक दिन भगवान भी सुन लेता है और हमारी मेहनत भी सफल हो ही जाती है। तो इसीलिए हम शायद आज या कल अपने 30 ब्लॉग्स पूरे हो चुके हैं। तो मुझे नहीं पता कि मुश्किल होते हैं करने या आसान होते हैं, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। पहली बार हुआ था फील जब मैंने 30 ब्लॉग किए थे, इस बार मेरे को कोई फील नहीं हुआ क्योंकि हम फैमिली व्लॉग बना रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, जा जा रहे हैं वहीं कैमरा ऑन कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही दिक्कत है। और बाकी अभी ना अब हमारा डेली का रूटीन रहेगा, हम डेली वीडियो बनाएंगे और बनाते जाएंगे जब तक हम कामयाब नहीं होते, ठीक है। तो ये तो मेरा एक फंडा है कि अगर 2-3 साल और भी लगेंगे ना तो मैं खुशी खुशी रेडी हूँ मेहनत करने के लिए। और ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि 6 महीने बाद ही अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा, 2-3 साल तो मैंने बहुत बोल दिए। और अपने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है क्योंकि इतने सब्सक्राइबर गेन किए, अपनी फैमिली मेम्बर इतनी बड़ी की है, तो आगे भी कर ही लेंगे यार, इतनी कोई अब मुझे तोप वाली बात लगती नहीं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। पर हाँ थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डिमोटिवेट भी होता हूँ, लेकिन वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि डिमोटिवेट तो होंगे ही होंगे अगर कुछ काम कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाते रहेंगे, आप देखते रहो, जितने भी देखते हो ना उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। इतने व्यूज भी आते, इतने भी नहीं आते कहीं के यार, सही बता रहा हूँ। पर मैं ये नहीं कह रहा उसको नीचे नहीं दिखा रहा उनको, पर एक अपनी अंदर की खुशी के लिए कह रहा हूँ कि मैंने इतना अचीव कर लिया कि जितने आ रहे हैं बहुत हैं उतने, बाकी किसी को कोई हेट नहीं है अपनी तरफ से। बाकी वीडियो देखो, मौज लो, रोज लो, बाकी अभी चाय पी लेते हैं, बिस्कुट खोज के पी लेंगे चाय। तो गाइस फाइनली बैक आ चुके हैं अपने घर पे, और यार ठंड ना आज बहुत कम है, कल से तो बहुत ज्यादा कम है, कल तो भाई साहब बहुत ज्यादा ठंड थी, आज तो भी नॉर्मल है सही बताऊं तो, इतनी ठंड नहीं है आज दिल्ली में। अगर आप बाहर रहते हो तो आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में ठंड है या नहीं है, ज्यादा है कम है। तो इसकी खोपड़ी में पहली बहुत टेंशन है, ये रुद्दू देखेगा ना व्लॉग तो मेरे को नहीं पता कि क्या होने वाला है। एक और चॉकलेट थी वो मैंने खा ली, ये पे रैपर, दिखाई ये पे रैपर फेंका था मैंने, दिखाई थी अपना वो, मैं आलसी हूँ, मैं उठ नहीं सकता, मैंने आलस पड़ा अंदर। रैपर फेंकने में भी इसे आलस आता, सही बताऊं तो यही पड़ा होगा। तो अभी क्या सीन है, घर आ गए हैं, अब खाना वाना खाएंगे थोड़ी देर में, बाकी पबजी खेलेंगे। तो खेड़ता था नहीं गया, खेड़ता हर रोज दो गेम लाएगा बस, तो दो कीमत ज्यादा की नहीं लावा, 50-70 हाँ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तो करते हैं वीडियो क्लोज। तो कितना लगी वीडियो, होकर सब बढ़िया मतलब क्या स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो कितना लगी वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना यार, और जो नया आया वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। बाकी मिलते हैं कल अच्छी सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।